हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश मंडल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश मंडल क्लासेस में। आज इस वीडियो में बात करूंगा क्लास 12th आरबीएसई बोर्ड सब्जेक्ट कंपलसरी इंग्लिश बुक नेम पैनोरामा चैप्टर नंबर 9 व्हिच नेम इज द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन इज अ शॉर्ट स्टोरी एंड दिस स्टोरी वॉज रिटन बाई अल्फोंस डाउडेट। ठीक, अगर हम राइटर की बात करें तो सुनिएगा, ही वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। कहने का मतलब हो गया ये फ्रांस से थे। ठीक, इन्होंने नॉवलिस्ट के तौर पे काम किया, इन्होंने कई सारे नॉवल्स लिखे और कई सारी इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी। नेक्स्ट, ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक नेम्स ऑफ फ्रेंच लिटरेचर। फ्रेंच लिटरेचर में इनका एक बेहतरीन नाम है एक राइटर के तौर पर। ठीक, He portrayed human emotions in a very realistic manner. कहने का मतलब हो गया कि ये काफी गजब का चित्रण पेश करते हैं। किसका? मानवीय भावनाओं का। इनकी रचनाओं में आपको मानवीय भावनाओं का एक शानदार सा, ठीक, एक वास्तविक चित्रण पेश किया जाता है इनकी रचनाओं में। चलिए, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, ये बातें थी कुछ हमारे राइटर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं हमारे स्टोरी के हल्के फुल्के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो सुनिएगा। This story narrates an event about the year 1870 when Prussian forces under Bismarck captured France. कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो कहानी है वो 1870 की एक घटना के बारे में बताती है। ठीक है, 1870 में क्या हुआ था? 1870 में प्रसा की जो सेना है, ठीक है, प्रसा की जो सेना है वो बिस्मार्क के अंडर थी। ठीक, और उसने क्या कर लिया था? फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो उस समय की एक घटना है। चलिए, नेक्स्ट, द न्यू प्रसियन रूल डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल ऑफ टू डिस्ट्रिक्ट अल्सेस एंड लॉरेन। अब उसके बाद आपको बताया जाता है कि जब प्रसा की सेना ने फ्रांस के ऊपर जब कब्जा कर लिया तो उसके दो जिले, जिसका एक है अल्सेस और दूसरा है लॉरेन, यहां पर नए नियम लागू किए गए, नए रूल्स को लगाया गया और उनके अकॉर्डिंग या उनके अनुसार ये कहा गया कि भाई अब यहाँ की जो स्कूल्स हैं उन स्कूल्स में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। अब तक फ्रेंच भाषा आप यहां पर पढ़ाते थे, अब यहां पर फ्रेंच भाषा को नहीं पढ़ाया जाएगा, यहां पर अब फ्रेंच भाषा बंद कर दी जाएगी स्कूल्स में। ठीक, तो ये नया नियम लागू किया गया। तो इसी पर आधारित है ये कहानी जो हम आगे देखते जाएंगे कि भाई वास्तव में कहानी में क्या है। नेक्स्ट, यहां पर दो मेन कैरेक्टर है, एक है एम हेमल और दूसरा है लिटिल फ्रेंच। एम हेमल जो है वो इस कहानी में एक टीचर है जो कि फ्रेंच पढ़ाते हैं और लिटिल फ्रेंच जो है वो उनके स्टूडेंट है, एक छोटा लड़का है। ठीक, और ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं बिकॉज ही इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। कहने का मतलब हो गया लिटिल फ्रेंच जो है वो आपको कहानी को नरेट कर बता रहे हैं। कहने का मतलब नरेट कर रहे हैं, वो कहानी को आपको सुना रहे हैं, इसलिए लिटिल फ्रेंच भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं और एम हेमल भी काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। कुल मिलाकर ये दोनों ही मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी में। बाकी जो चीजें लिखी गई हैं उन चीजों के बारे में या उन पॉइंट्स के बारे में मैं आगे से आगे जैसे जैसे कहानी बताऊंगा वैसे वैसे आपको क्लियर करता जाऊंगा। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारी स्टोरी की। अब हम एंटर हो जाते हैं हमारी स्टोरी में। ठीक, लेकिन स्टोरी में एंटर होने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको मेरा वीडियो पूरा देखना है, उसे रत्ती भर भी मिस नहीं करना है। कारण ये है कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं या जो लेसन मैं आपको यहां बता रहा हूं वो सारा का सारा यही क्लियर हो जाएगा, आपको सब कुछ इसके बारे में यही समझ में आ जाएगा, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आप मेरा वीडियो पूरा ढंग से देखेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे स्टोरी की थोड़ी डिटेल में, तो सुनिएगा। मैंने बता दिया है कि आपको ये जो कहानी है वो आपको कौन सुना रहे हैं? फ्रेंच। ठीक, फ्रेंच आपकी कहानी के नरेटर हैं। तो फ्रेंच कहते हैं कि उस सुबह मैं काफी लेट हो चुका था स्कूल के लिए। कहने का मतलब मैं स्कूल लेट पहुंच रहा था, काफी लेट हो चुका था। हालांकि मैं उस दिन स्कूल जाना नहीं चाह रहा था। कारण ये था कि एम हेमल जो कि हमारे टीचर थे उन्होंने हमें ग्रामर का एक पार्ट, एक टॉपिक दिया था याद करने के लिए जिसका नाम है पार्टिसिपल्स। ठीक, तो पार्टिसिपल्स हमें याद करने के लिए दिए थे लेकिन मुझे उसका पहला लेटर तक नहीं आता। कहने का मतलब मुझे पार्टिसिपल के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं था, तो मैंने कुछ देखा ही नहीं था। तो आज मुझे भी डर था कि शायद मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं लगातार स्कूल की तरफ बढ़े जा रहा था। ठीक, अब वो रास्ते में चल रहे हैं, काफी तेजी से चल रहे हैं। ठीक, स्कूल की तरफ बढ़ रहा है वो फ्रेंच। अब ये कहता है कि उस दिन जो सुबह थी काफी सुहावना दिन लग रहा था, तो वो दिन भी मुझे काफी आकर्षित कर रहा था। फिर रास्ते में पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी। ठीक, मैं पक्षियों को भी देख रहा था, वो भी मुझे काफी आकर्षित कर रहे थे। फिर रास्ते में एक खुले मैदान में परसा के जो सैनिक है वो अभ्यास कर रहे थे। ठीक, तो वो भी काफी अच्छे लग रहे थे, उन्होंने भी मेरा ध्यान उनकी तरफ आकर्षित किया। ठीक, लेकिन फिर भी मैं काफी मजबूत रहा स्कूल की तरफ बढ़ने के लिए। कहने का मतलब मैं फिर भी स्कूल जाना चाह रहा था। ठीक, तो वो लगातार स्कूल की तरफ बढ़ते जा रहा है। अब आपको ये बताते हैं फ्रेंच कि जब मैं टाउन हॉल के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि टाउन हॉल के बाहर काफी भीड़ लगी हुई है।
टाउन हॉल के बाहर एक नोटिस बोर्ड है, ठीक उस नोटिस बोर्ड के सामने काफी भीड़ लगी हुई है। अब फ्रेंड्स बताते हैं पिछले दो सालों में, है ना, पिछले दो सालों में जितनी भी बुरी खबरें आई थी वो सब इसी नोटिस बोर्ड पे आई थी, इसी नोटिस बोर्ड पे छपी थी। ठीक, जैसे कहने का मतलब हम युद्ध हार चुके हैं, ठीक, या फिर सैनिकों की नई भर्ती हो रही है, या फिर कोई नया नियम आ गया है, तो ऐसी कई प्रकार की, है ना, जो हमें डिस्टर्ब करे ऐसी खबरें इस नोटिस बोर्ड पर पिछले दो सालों में कई बार आ चुकी है। और आज चूंकि इतनी भीड़ लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि आज भी कोई ना कोई बुरी खबर आई है। ठीक, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मैं लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा था, मैं तेजी से आगे की तरफ बढ़ते जा रहा था, स्कूल की तरफ बढ़ते जा रहा था। तो जब मैं वहां से निकला तब पीछे से आवाज आई, और वो आवाज थी वॉक्टर की, है ना, वॉक्टर जो कि एक ब्लैक स्मिथ है, ठीक, उसकी आवाज थी। उसने मुझे कहा कि बच्चे इतना तेज चलने की तुम्हें जरूरत नहीं है, है ना, तुम स्कूल की तरफ जो इतना तेजी से बढ़ रहे हो तो इतना तेजी से बढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स कहते हैं मैंने सोचा शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्यों, क्योंकि मैं लेट हो चुका था, ठीक है, और काफी तेजी से स्कूल की तरफ बढ़ रहा था, तो मैंने सोचा शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसलिए मैंने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया और मैं वहां से आगे चलता गया। अब आपको फ्रेंड्स बताता है कि आम दिनों में जब स्कूल चलता है तब स्कूल के आसपास काफी शोर शराबा रहता है, कहने का मतलब स्कूल के रूम्स में, ठीक, बच्चे जो है वो काफी शोर शराबा करते हैं, कुछ याद करने की आवाजें, ठीक है, जैसे कोई रट्टा मार रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, ठीक, तो उनकी आवाजें, फिर बच्चे जो वो डेस्क को खोलते हैं बंद करते हैं तो उनकी आवाजें, फिर टीचर के डांटने की आवाजें, टीचर के डंडे को टेबल पर पटकने की आवाजें, तो इस प्रकार कई प्रकार की आवाजें स्कूल में आती है, और उन आवाजों को मतलब काफी दूर तक सुना जा सकता है, गली तक सुना जा सकता है, फ्रेंच ऐसा बताता है। लेकिन फ्रेंच कहता है कि आज काफी मुझे अजीब लग रहा था, है ना, मैं इसी शोर शराबे का फायदा उठाकर मैं चुपचाप अपने क्लास में अपनी जगह पर जाकर बैठ जाना चाहता था, है ना, इसी शोर शराबे की आड़ में मैं चाहता था कि किसी का ध्यान मेरी तरफ ना आए, है ना, कोई मुझे ना देखे और मैं चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाऊं, क्योंकि मैं आज काफी लेट हूं, तो मुझे इस शोर शराबे की आस थी। लेकिन आज मैंने देखा कि बिल्कुल शोर शराबा नहीं था, आज ऐसा लग रहा था जैसे कि संडे का दिन हो, कहने का मतलब रविवार के दिन जैसे शांति रहती है वैसे बिल्कुल शांति थी, जैसे कोई स्कूल में है ही नहीं। चलिए, अब वो कह रहा है जैसे तैसे मैं अपने कमरे के पास पहुंचा और मैंने कमरे की खिड़की में से मेरे कमरे में देखा, मेरा जो क्लासरूम था उसमें मैंने देखा कि मेरे जो क्लासमेट्स थे, मेरे जो सहपाठी थे, वो सब अपनी अपनी जगह पे पहले से ही बैठे हुए और सब एकदम शांत बैठे हैं। ठीक, उसके बाद में मैंने देखा हमारे जो टीचर है जिनका नाम एम हिमल है, वो अपना डंडा अपनी खाक में दबाए हुए इधर उधर घूम रहे हैं। चलिए, अब ये कह रहा है जैसे तैसे मैं अपने कमरे में घुसा, मैंने प्रवेश किया, और जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया एम हिमल ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे कहा कि लिटिल फ्रेंच तुम काफी लेट हो, है ना, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। कहने का मतलब आज का जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है, या आज का जो मुझे पढ़ाना है, वो मैं तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाला था, तुम काफी लेट हो, चलो कोई बात नहीं, अब तुम जाकर अपनी जगह पे बैठ जाओ। ठीक, इस प्रकार आपको फ्रेंच कहता है कि मैं अपनी जगह पे जाकर बैठ गया। अब वो कहता है कि आज मुझे काफी अजीब लग रहा था, आज का माहौल काफी अलग माहौल था, डेली के माहौल से काफी अलग माहौल था। तो कह रहा है कि सारे बच्चे चुपचाप शांत बैठे थे। उसके बाद में दूसरी चीज ये थी कि हमारे जो एम हेमल थे, है ना, उन्होंने कपड़े पहन रखे थे, और उन्होंने क्या कपड़े पहन रखे थे तो सुनिएगा, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, है ना, उन्होंने हरे रंग का एक कोट पहन रखा था, फ्रिल शर्ट, कहने का मतलब फर वाला शर्ट पहन रखा था, उसके बाद में एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और सिल्क के कपड़े की बनी हुई काले कलर की उन्होंने टोपी पहन रखी थी, कैप पहन रखी थी। अब ये फ्रेंच कहता है कि उनके ये कपड़े आज मुझे अजीब इसलिए लग रहे थे क्योंकि ये जो ड्रेस हैं, ये जो कपड़े हैं, वो किसी खास दिन पे पहनते थे, है ना, पुरस्कार वितरण दिन हो गया जैसे, ठीक है, या निरीक्षण का दिन हो गया, इंस्पेक्शन डे हो गया, तो ऐसे किसी खास दिन पे ही ये ऐसे कपड़े पहनते थे या ये इस ड्रेस को पहनते थे, लेकिन आज उन्होंने ये ड्रेस क्यों पहन रखी है, तो ये चीज मुझे अजीब लगी। उसके बाद में वो कहता है कि इन सारी चीजों से जो ज्यादा अजीब चीज थी वो ये थी कि हमारे जो पीछे वाली जो बेंचेस थी, है ना, वो हमेशा खाली रहती थी, लेकिन आज ये बेंचेस भरी हुई है, और इन बेंचेस पर कौन बैठा है, इन बेंचेस पर गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हैं, गांव के कुछ लोग बैठे हैं। ठीक, तो काफी अजीब लग रहा है मुझे ऐसा माहौल देखकर, ये लोग पीछे क्यों बैठे हैं। अब आपको फ्रेंड बताता कि उन लोगों में जो पीछे की तरफ बैठे थे उनमें कौन कौन थे, तो उनमें सबसे खास नाम था ओल्ड हॉसर का, है ना, हॉसर नाम है उनका, ठीक, जो कि एक मेयर थे, है ना, फॉर्मर, ठीक, कहने मतलब पहले वो मेयर रह चुके थे, उसके बाद में एक पोस्टमास्टर था, ठीक, और उसके बाद में कुछ लोग और भी बैठे थे। अब वो बताता कि वो सारे के सारे लोग क्या थे, उदास थे, हमारे एम हेमल भी उदास थे, ये लोग भी काफी उदास थे, ठीक, और मेरे जो सहपाठी थे वो भी काफी शांत बैठे थे, तो कहने का मतलब एक अजीब माहौल था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चलिए, अब वो कहते हैं कि अब
जो हमारे एम हेमल है वो बोलते हैं। अब वो क्या कहते हैं, वो बोलते ही वो कहते हैं कि आज मेरा लास्ट लेसन है। कहने का मतलब हो गया कि आज हम जो ये भाषा पढ़ रहे हैं फ्रेंच, ठीक, इसका आज मेरा लास्ट लेसन है, ठीक, अब इसके बारे में आपको फ्रेंच नहीं पढ़ूंगा, अब मैं यहां से जा रहा हूं। कारण यह है कि बर्लिन से आदेश आया है, है ना, बर्लिन से आदेश आया है कि अब अल्सेस और लॉरेन के जो जिले हैं, अल्सेस और लॉरेन जो नाम के जो जिले हैं, अब यहां पर स्कूल्स में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अब फ्रेंच की जगह जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंच भाषा पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो यहां से चले जाए, ठीक है, और उसके बाद में अब यहां पर कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ठीक, तो कुल मिलाकर उसने ये बात बताई, ठीक, और ये बात सुनते ही फ्रेंच कहते हैं कि मुझे काफी झटका लगा, मैं काफी शॉक हो गया, कहने का मतलब मैं काफी दुखी हो गया। कारण ये था, मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं अब तक, मुझे मेरी भाषा, है ना, जो कि मेरी खुद की भाषा है, मेरे देश की भाषा है फ्रेंच भाषा, ठीक, वो मुझे बिल्कुल नहीं आती, अब तक मैंने कुछ सीखा ही नहीं, और आज वो एकदम से मुझसे इतनी दूर चली जा रही। वो ऐसा बताते हैं, वो कहते हैं कि मैंने आज तक कभी ध्यान दिया ही नहीं मेरी भाषा पर, मैं चिड़ियों के अंडे देखने में टाइम बिताता था, फिसल पट्टी पर फिसलने में टाइम बिताता था, मैं वहां आनंद ढूंढता था, लेकिन मैंने कभी अपनी भाषा की तरफ ध्यान दिया नहीं, और आज जब मुझे मेरे सर ऐसा कह रहे हैं, है ना, मेरे टीचर एम हेमल ऐसा कह रहे हैं कि ये आपका लास्ट लेसन है, ठीक, तो मुझे काफी झटका लगा, है ना, जो किताबें मुझे बोझ लगती थी, व्याकरण की किताबें, हिस्ट्री की किताबें, ठीक, जो मुझे भार लगती थी, जिनको मुझे पढ़ने में परेशानी होती थी, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मेरे मित्र हैं, ठीक, और मैं उन किताबों को कभी छोड़ना चाहता नहीं। उसके बाद में मुझे एम हेमल के लिए भी काफी दुखी है, जो पिछले 40 वर्षों से हमारे यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक, हमें भाषा पढ़ा रहे हैं, ठीक, और जो मुझे काफी प्रिय है, और अब आज के बाद मैं इनको कभी देख नहीं पाऊंगा, ठीक, तो ऐसा टीचर जो है हमसे दूर चला जाएगा, जो कि हमें फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं और काफी अच्छा व्यक्ति है ये, ठीक, तो अब मैं इनको भी नहीं देख पाऊंगा। तो इन सारी चीजों से मुझे काफी झटका लगा, मैं काफी दुखी हो गया कि अब क्या किया जाएगा। अब फ्रेंच कहते हैं कि अब मुझे समझ में आया कि वहां पर, है ना, जो कि ये डॉक्टर था उसने मुझे रोक कर कहा था, है ना, उसने मुझे कहा था कि भाई इतना तेज जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम इतना तेज क्यों जा रहे हो, तुम्हें इतना तेज चलने की जरूरत नहीं है, तुम जो स्कूल की तरफ बढ़ रहे हो इतना तेज, तुम्हें इतना तेज चलने की आवश्यकता नहीं है। तो उसने इसीलिए कहा था कि आज जो फ्रेंच का जो लेसन है वो आपका आखिरी लेसन होगा, इसके बाद तुम्हें फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। अब मुझे समझ में आया कि उसने ऐसा क्यों कहा था। फिर अब मुझे समझ में आया कि ये पीछे लोग क्यों बैठे हैं, है ना, ये लोग, इन्होंने भी फ्रेंच भाषा कभी ढंग से सीखी नहीं, ठीक, तो ये अपनी भाषा को, अपनी फ्रेंच भाषा को, ठीक, सम्मान देने के लिए, अपने देश को सम्मान देने के लिए यहां पर बैठे हैं। फिर उसके बाद अपने इस टीचर को, जिसने 40 साल यहां पर नौकरी की है, ठीक, उसको सम्मान देने के लिए आज ही यहां पर बैठे हैं। अब फ्रेंच कहते हैं, जब मैं इन सारी बातों के बारे में सोच रहा था, विचार कर रहा था, उतने में मैंने सुना कि एम हेमल ने मुझे पुकारा और मुझे पार्टिसिपल बोलने के लिए, है ना, पार्टिसिपल के बारे में कुछ कहने के लिए कहा। ठीक, मैं अपनी जगह पे खड़ा हुआ, मैं चाह रहा था कि मैं सब कुछ पार्टिसिपल के बारे में सारी चीजें बता दूं, है ना, शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ बता दूं पार्टिसिपल्स के बारे में, सारे नियमों को बता दूं, लेकिन मैं क्या करता, मुझे तो उसका पहला लेटर भी नहीं आता है, ठीक, मैं तो पार्टिसिपल के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, इसलिए मैं अपनी डेस्क को पकड़कर, अपने सिर को झुकाए हुए, अपनी नजरों को झुकाए हुए, मैं वहां पर शर्मिंदा होकर खड़ा रहा। अब एम हेमल ने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें नहीं आता तो मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, है ना, कारण यह है कि तुम अकेले ही दोषी नहीं हो, हम सब दोषी हैं, ठीक, हम सब ऐसा ही करते हैं, ये हमारी खुद की भाषा है, ठीक, फ्रेंच भाषा जो है वो हमारी खुद की भाषा है, हमारे देश की भाषा है, लेकिन फिर भी हमने इसको कभी सीखने की कोशिश नहीं की, ठीक, क्यों, क्योंकि हमने सोचा कि कोई बात नहीं, आज याद नहीं तो हम कल याद कर लेंगे, ठीक है, आगे याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास अभी बहुत सारा टाइम है, लेकिन आज देखो हम कहां आ गए, ठीक, अब हमारे पास एक दिन भी नहीं बचा है कि हम फ्रेंच भाषा को पढ़ सके, हम उसे याद, मतलब हम उसे याद कर सके, हम उसे समझ सके, हम उसे पढ़ सके, हम उसे सीख सके, अब हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहा है, आज देखो हम कहां पहुंच गए हैं। अब वो कहते हैं कि फ्रेंच तुम अकेले ही दोषी नहीं हो, हम सब दोषी है, हम बड़े, है ना, तुम तो बच्चे हो, चलो कोई बात नहीं, तुम तो बच्चे हो, तुम्हारे साथ साथ हम बड़े बुजुर्ग भी दोषी है। कारण यह है कि देखना तुम्हारे माँ बाप दोषी हैं, कैसे दोषी हैं, कि तुम उनके, मतलब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि तुम्हें खेतों पर ले जाया गया, है ना, तुमसे काम करवाया गया, फिर तुम्हें बाहर काम करने के लिए भेजा गया ताकि तुम कुछ पैसे कमा सको,
तो ये तुम्हारे माता पिता की गलती, फिर उसके बाद मेरी भी गलती है। मेरी गलती ये है कि मैंने कई बार तुम्हें मेरे बगीचे में पानी देने के लिए भेजा, ठीक। उसके बाद में जब मुझे मछली पकड़ने के लिए जाना था तब मैंने तुम्हारे स्कूल में मैंने छुट्टी रख दी, तो इस प्रकार मैं भी तुम्हारे लिए दोषी हूं, ठीक है, मैं भी इस काम में दोषी हूं। हम सब दोषी है, हम सब ने हमारी मातृभाषा को, हमारी अपने देश की भाषा को हमने सीरियस नहीं लिया, ठीक। ये हम सबकी गलती रही है और आज देखो हम कहां पहुंच गए हैं, हमारे पास एक भी दिन नहीं बचा है कि हम हमारी फ्रेंच भाषा को सीख सके। अब कल से यहां पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। अब फ्रेंच बताते हैं कि उसके बाद एम हेमल ने हमें फ्रेंच भाषा के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हमारी जो फ्रेंच भाषा है वो काफी सुस्पष्ट भाषा है, काफी लॉजिकल तर्कसंगत भाषा है, ठीक। हमें इसकी सुरक्षा हर हालत में करनी चाहिए, हमें इसे बनाकर रखना चाहिए, ठीक। अगर हम किसी के गुलाम बना लिए जाए, है ना, तो ये भाषा कहने का मतलब चाबी होगी आपको इस गुलामी से बाहर निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर हमें हमारी भाषा को भूलना नहीं है, हमें हमारी भाषा की हर रूप से सुरक्षा करनी है, हमारी फ्रेंच भाषा को हमें बचाना है। अब फ्रेंच आगे बताता है कि एम हेमल जो है, अब हमें व्याकरण पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक। आज जो एम हेमल है वो पूरा जोर लगाकर हमें पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। कहने का मतलब वो चाह रहे थे कि मैं आज के आज सब कुछ पढ़ा दूं, मैं आज की आज पूरी की पूरी भाषा समझा दूं, है ना, पूरी की पूरी भाषा, फ्रेंच भाषा जो है मेरे देशवासियों को सिखा दूं, ठीक। और हम भी आज पूरा ध्यान लगाकर पूरे मन से उनकी हर एक बात को सुन रहे थे, ठीक। और चूंकि हम इतना मन लगा रहे थे तो उनकी हर एक बात हमें समझ में आ रही थी। हम भी ऐसा चाह रहे थे कि हम आज की आज हमारी पूरी की पूरी भाषा सीख जाए, हमारी फ्रेंच भाषा सीख जाए। कहने का मतलब हो गया दोनों ही तरफ, जो एम हेमल है वो, ठीक, और जो सामने जो स्टूडेंट्स के रूप में जो लोग बैठे हैं, जो बच्चे बैठे हैं, वे सब, ठीक, वे सब फ्रेंच भाषा से काफी प्यार करते हैं, ठीक, वे फ्रांस से काफी प्यार करते हैं और आज वे अपना प्यार अपनी भाषा के प्रति, अपने देश के प्रति दिखा रहे हैं। और वे कह रहे हैं कि आज हमें ऐसा लग रहा है कि काश हमने पहले इसकी तरफ ध्यान दिया होता, ठीक, आज हम कुछ ऐसा कर जाए कि पूरी की पूरी भाषा हमें आज ही समझ में आ जाए। और एम हेमल भी यही चाह रहा था कि काश ऐसा हो जाए कि मैं आज की आज इनको पूरी की पूरी भाषा सिखा दूं। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स यही कह रहा है कि हम काफी ध्यान से उनको सुन रहे थे और वो भी काफी अच्छे तरीके से हमें समझा रहे थे। ऐसा अच्छा तरीका उन्होंने आज तक कभी अपनाया नहीं था और इतने ध्यान से हमने भी कभी उनकी बातों को सुना नहीं था, ठीक। उसके बाद जब व्याकरण खत्म होगी तो उसके बाद में वो कहते हैं कि उसके बाद में एम हेमल ने हमें लेखन का पाठ पढ़ाया, है ना, लेखन करवाना शुरू किया, लेखन का पाठ पढ़ाया। तो आज हमारे लिए एम हेमल कई सारी कॉपियां लेके आए थे, ठीक, और उन कॉपियों पर कहने का मतलब लिखा हुआ था अल्सेस अल्सेस फ्रांस अल्सेस फ्रांस अल्सेस फ्रांस। ये कहता है फ्रेंच कहता है कि वो जो अल्सेस फ्रांस लिखा हुआ था, ठीक है ना, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि झंडे लहरा रहे हो, ठीक है, काफी सुंदर लग रहे थे। अब फ्रेंच उस क्लासरूम के माहौल को देखकर बताता है कि हर कोई अपने काम में लगा हुआ था, है ना, हर कोई शांत बैठा था और अपने काम में लगा हुआ था, सिर्फ पन्नों के पलटने की आवाजें आ रही थी, ठीक। कहने का मतलब हो गया कि छोटे बच्चे भी अपने काम में लगे हुए थे। छोटे बच्चे हालांकि कांटे बनाने के, सॉरी, मछली पकड़ने के जो कांटे होते हैं उनके चित्र बना रहे थे कॉपी में, लेकिन वो भी इतने ध्यान से बना रहे थे जैसे कि वो फ्रेंच भाषा ही सीख रहे हो। फिर उसके बाद उन छोटे बच्चों के बारे में वो बताता है कि क्लास में जब भौंरा आया, ठीक है ना, एक भौंरा जब आया तब उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, ठीक। चलिए बड़े तो कभी ध्यान देते नहीं, लेकिन बच्चे तो ध्यान देते हैं, लेकिन उस समय बच्चों ने भी उन भौरों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कुल मिलाकर हर कोई आज फ्रेंच भाषा के प्रति समर्पित दिखाई दे रहा था, ठीक है, आज अपने इस लास्ट लेसन के प्रति क्या दिख रहा था, समर्पित दिख रहा था, हर कोई अपने काम में लगा हुआ था, एकदम शांति छाई हुई थी उस क्लासरूम में। फिर उसके बाद वो बात बता रहा है कि धीरे से जो कबूतरों की जो गुटरगू की जो आवाज है वो आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि आज एम हेमल उन्हें भी फ्रेंच भाषा सिखाकर ही छोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर आज यहाँ पर देश प्रेम का माहौल दिखाई दे रहा था, है ना, हमारी जो देश की जो भाषा है, जो मातृभाषा, उसके प्रति प्रेम का माहौल उस पूरे क्लासरूम में दिखाई दे रहा था। अब फ्रेंच बताता है कि जब भी मैं लेखन काम करते करते जब मैंने ऊपर देखा, ठीक है, तो मेरी नजर जब एम हेमल की तरफ गई तो मैंने देखा कि वो काफी मतलब गंभीर होकर, काफी दुखी होकर उस कमरे की सारी चीजों को देख रहे थे, है ना, जिन चीजों को वो देख पा रहे थे उनकी तरफ देख रहे थे, टकटकी लगाकर देख रहे थे, गौर से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन सारी चीजों को वो अपनी आंखों में भर देना चाहते हैं, ठीक है, अपने दिमाग में, अपने दिल में उतार देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन चीजों से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें 40 साल हो गए यहाँ पर, ठीक है, तो वो खिड़कियों को देख रहे हैं, दरवाजों को देख रहे हैं, डेस्क को देख रहे हैं, फिर उसके बाद खिड़की के बाहर देख रहे हैं, खिड़की के बाहर जो उनका बगीचा है,
ठीक, उसे देख रहे हैं बगीचे में जो वॉलनट, कहने का मतलब जो अखरोट के जो पेड़ हैं जो उन्होंने खुद ने लगाए थे, जो आज काफी बड़े हो चुके हैं, उनको देख रहे थे। फिर एक होप वाइन की जो लता है, ठीक, उसे देख रहे थे जो काफी ऊपर चढ़ चुकी है। तो कहने का मतलब इन सारी चीजों को देख रहे थे, ठीक, और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उनकी आंखों में उन सारी चीजों के प्रति, है ना, एक प्रेम दिखाई दे रहा था और उसके साथ ही साथ दुख दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति आज इन सारी चीजों को छोड़कर जा रहा है, अपने खुद के देश को छोड़कर वो यहां से जा रहा है और इसीलिए वो काफी व्यक्ति दुखी था। फिर आपको फ्रेंड बताता है कि साथ ही साथ एम एमल को वो आवाज भी डिस्टर्ब कर रही थी जो ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कमरा इनका क्लासरूम था उसके ऊपर ये एम एमल रहता था अपनी बहन के साथ, तो ऊपर उसकी बहन जो थी वो सामान की पैकिंग कर रही थी, तो उसके इधर उधर चलने की, सामान को पैक करने की, इधर उधर करने की आवाज आ रही थी, ठीक, और ये आवाजें बार बार एम हेमल को याद दिला रही थी कि हमें कल ये देश छोड़कर जाना है, तो ये चीज भी उसे काफी डिस्टर्ब कर रही थी। कुल मिलाकर फ्रेंड्स को एम हिमल की आंखों में देश प्रेम दिखाई दे रहा है, ठीक, और इस देश से निकल जाने का दुख दिखाई दे रहा है। अब फ्रेंड्स कहता है कि लेखन के बाद एम हिमल ने हमें हिस्ट्री पढ़ाया और हिस्ट्री के बाद फिर छोटे बच्चों के लिए, कहने का मतलब अल्फाबेटिकल साउंड पढ़ाए गए, है ना, या मैं ये कह दूं स्वर पढ़ाए गए, वोवल्स पढ़ाए गए, ठीक। तो वो कहते हैं कि छोटे बच्चे जो है वो रिपीट कर रहे थे बा बी बे, ठीक, अपनी किताब को ऐसे पढ़ रहे थे। अब हॉसर, है ना, हॉसर के बारे में बताया गया, हॉसर जो है वो अपनी तिरछी टोपी पहनकर बैठा था, उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी, ठीक, और वो किताब जो है वो काफी पुरानी लग रही थी, उसके जो कॉर्नर होते हैं, क्योंकि कॉर्नर से हम उंगलियों से पेज पलटते हैं तो काफी गंदे हो चुके थे, तो कहने मतलब काफी पुरानी किताब थी, वो पुरानी किताब लेकर अपने साथ में आया था, ठीक। तो अब हॉसर भी खड़ा होकर अपने ये जो स्वर थे उनको बोलने की कोशिश कर रहा है, अपनी भाषा को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वो उनको बोलने की कोशिश कर रहा है तो उसका गला जो है वो कांप उठा, कहने का मतलब वो रो रहा है वो व्यक्ति, ठीक, उसके अंदर मतलब उसके दिल में दर्द है, ठीक। तो उस दर्द के कारण उसकी आवाज में क्या निकल रही है, कपकपाहट निकल रही है, मतलब उसकी आवाज कांप रही है। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि उसकी आवाज में जो कपकपाहट थी उसके कारण हमें हंसी भी आ रही थी, लेकिन हम साथ ही साथ क्या थे, दुखी थे। दुखी क्यों थे, क्योंकि आज हमें पता है कि हमारी मातृभाषा का यहाँ पर अंतिम दिन है, कहने का मतलब हमारे जो देश की जो भाषा है फ्रेंच भाषा, उसका आज हमारे सामने क्या है, अंतिम दिन है, ठीक। तो इसीलिए हम काफी दुखी थे, लेकिन उस व्यक्ति के आवाज में कपकपाहट के कारण हम थोड़े से हंस भी रहे थे, कहने का मतलब छोटे बच्चे, सीधा सा है, ठीक है। तो ऐसी चीज उनको थोड़ा सा गुदगुदा भी रही है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें वापस याद आ रहा है कि हमारी मातृभाषा का आज क्या है, अंतिम दिन है, तो इसलिए वो साथ ही साथ क्या है, दुखी भी है। अब फ्रेंड्स कहता है कि अचानक से चर्च की जो घड़ी है उसने 12 बजने का घंटा बजा दिया, ठीक, कहने का मतलब 12 बज गए, ठीक। उसके बाद ट्रम्पेट बजी, ट्रम्पेट किसने बजाया, ट्रम्पेट बजाया जो परसा के जो सैनिक थे जो कि अभ्यास कर रहे थे, तो उन्होंने ट्रम्पेट बजाया, कहने का मतलब उनका भी अभ्यास खत्म हो चुका है, ठीक, अभी अभ्यास खत्म करके अब निकल चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब इनकी क्लास का विसर्जन होने का टाइम हो गया, कहने मतलब अब क्लास खत्म होने वाली है, ठीक, उनके क्लास के खत्म होने का टाइम हो चुका है। तो जैसे ही वो घंटा बजा, एम हिमल जो अपनी सीट से उठे, अपनी कुर्सी से उठे, ठीक, उन्होंने एक चौक का टुकड़ा उठाया, उसके बाद बोर्ड की तरफ मुड़े और बोर्ड की तरफ मुड़कर उन्होंने बोर्ड पर लिखा विव ला फ्रांस, कहने का मतलब हो गया विव ला फ्रांस का मतलब हो गया फ्रांस जिंदाबाद, ठीक, उन्होंने ये लिखा। और ये लिखने के बाद वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन उनका गला वहीं चौक हो गया, वो कुछ भी नहीं बोल पाए, ठीक, कहने का मतलब वो व्यक्ति अपनी भाषा के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए, अपने देश के लिए, अपनी देश की भाषा के लिए काफी दुखी है, ठीक, और वो इतना दुखी है कि वो बोलते बोलते उसका गला क्या हो चुका है, चौक हो चुका है, ठीक, वो व्यक्ति रो देना चाहता है, वो कुछ भी नहीं बोल पाया, ठीक, और उसने इशारे से ही कहा कि जाओ अब आपकी क्लास खत्म हो चुकी है, अब आप यहां से निकलिए, ठीक। और इसी के साथ ये पाठ यहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक। तो मैंने आपको ये पूरी की पूरी कहानी मेरे हिसाब से पूरे ढंग से बता दी है और मेरे हिसाब से इसमें मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है, ठीक। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब बात आती है हमारी लाइक शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको ये स्टोरी पूरी की पूरी ढंग से समझ में आ गई है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो आप उन्हें शेयर करें मेरे चैनल को, उन्हें मेरे चैनल को रेकमेंड करें, ठीक। उसके बाद में खुद मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू वेरी मच।